हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट इन करियर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OMR सीट के बारे में कि OMR सीट होता क्या है, इसे कैसे भरा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता क्या है, इसके फायदे और इसके कुछ नुकसान के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि OMR सीट होता क्या है। OMR सीट एक विशेष प्रकार की शीट होती है जिसके डाटा को कंप्यूटर की मदद से स्कैन करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से आपके एग्जाम के आंसर शीट को चेक करने में लगने वाला समय बहुत हद तक बच जाता है। आपने बहुत सी एग्जाम में OMR सीट को देखा होगा। इसका इस्तेमाल कॉपी को जल्दी चेक करने और एकदम सही तरीके से चेक करने के लिए किया जाता है, जिससे उन परीक्षाओं का रिजल्ट भी जल्दी ही घोषित कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं OMR सीट के फुल फॉर्म के बारे में। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों, अभी तक हमने OMR सीट होता क्या है और उसके फुल फॉर्म के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि OMR सीट को कैसे भरा जाता है। OMR सीट का इस्तेमाल वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के आंसर को सेव करने के लिए किया जाता है। इस सीट में आंसर नंबर के सामने आपको चार विकल्प मिलते हैं, ए बी सी डी। यह ऑप्शन एक गोलाकार आकृति में भरने होते हैं। इनको भरने के लिए ब्लैक पेन या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गोले को अच्छे से भरना है और पूरा भरना है। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि आप इसमें एक से ज्यादा गोले को नहीं भरें, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। जब आप OMR सीट पर अपने क्वेश्चन के सभी आंसर भर लेते हैं तो अब इस सीट को चेक करने की बारी आती है। इसको चेक करने के लिए OMR स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्कैनर आपकी शीट को लेजर की मदद से चेक करता है। यह लेजर अपने आप आपकी सीट पर मौजूद सभी ब्लैक डॉट को सिलेक्ट कर लेता है और फिर आपके क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट से यह आपकी शीट को मैच करता है, जिससे यह पता चल जाता है कि आपने कितने सही और कितने गलत जवाब दिए हैं। दोस्तों, जिस तरह से OMR सीट के फायदे हैं उसी तरह से इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। OMR तकनीकी की मदद से हम डाटा को बहुत तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। OMR स्कैनर एक घंटे में लगभग 10,000 सीट को चेक कर सकता है। इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं होता है। इसके डाटा को सेव करने के लिए बस एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं OMR सीट के क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप OMR सीट में एक से अधिक ऑप्शन को भर देते हैं या कोई निशान लगा देते हैं तो स्कैनर उस डाटा को रीड नहीं कर पाता है। इस सीट का उपयोग एक से अधिक ऑप्शन के चुनाव और उसके डाटा को प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है। दोस्तों, परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर को एक साथ जांचने के लिए OMR सीट एक बहुत बढ़िया माध्यम है। इससे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को अपने आंसर गोल घेरे में भरकर सेव करने में आसानी होती है और परीक्षा लेने वाले संस्थाओं को भी कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होती है। OMR सीट के द्वारा ली गई परीक्षाओं का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। OMR सीट का इस्तेमाल बहुत सी परीक्षाओं में आज भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको OMR सीट के बारे में जानकारी प्रदान की है। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।